हल्दी का दिया लगा दें इन चार जगहों पर, आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। जितना चाहोगे उतना पैसा बराबर से आता रहेगा, पैसे का फ्लो कभी नहीं कम होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ख़ास वीडियो आपके लिए, और ये गुरुवार है आज, तो आज ही कर लेना। अगर आज मिस कर दो तो अगले गुरुवार को ही आपको चांस मिलेगा, तो कोशिश करना गुरुवार को ही ये काम कर लेना। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का वार है, और इस दिन कुछ काम करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन पीली चीज़ों का बहुत महत्व है, पीली बोतल, पीला कपड़ा पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और पीली बोतल का पानी अगर आपने पी लिया तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पीली बोतल में भरकर पानी अपने घर के अनेक स्थानों पर छिड़कने से भी आपको लाभ होता है, और आपके घर में पैसे का सोर्स बनता है। पीली बोतल में पीला पानी भी बहुत फ़ायदा करता रहा है, और आप हल्दी के पानी से स्नान करते हैं तो क्या कहना है, आपका बृहस्पति जागृत होता है, एक अजीब सी चमक आपके चेहरे पर आती है। तो ये काम आप करें ही करें, लेकिन एक काम आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, पैसों का लाभ देगा, और आपको लखपति करोड़पति भी बना सकता है। लेकिन लखपति करोड़पति बनाने वाले वीडियो में हमेशा मैं कहती हूँ कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप निष्क्रिय रहते हैं और चाहते हैं कि बिना परिश्रम के ही आपको लाभ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता। मित्रों, मेहनत का दामन हमेशा थामना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलता है। लेकिन आज एक खास विषय पर डिस्कस कर रही हूँ, और वो विषय है पीला दिया या बृहस्पति का दिया, जो कि पीले हल्दी से रंगा हुआ हो, उसको आप किन चार जगहों पर जलाएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी पर केंद्रित करती हूँ बात, और आपको बताती हूँ प्रोसीजर। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए और आप उनको एंजॉय कर सकें और ज्ञानवर्धन आपका हो सके। जैसा कि आपको पता है, मैं ज्योतिषी हूँ, तो ज्योतिष से संबंधित परामर्श भी आप मुझसे ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। 23-24 वर्ष का अच्छा खासा अनुभव है, तो डोंट मिस, और आपको परामर्श मुझसे लेना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीली गाय की सेवा करें, घर में झाड़ू पोछा न लगाएं, मतलब झाड़ू तो लगाएं लेकिन पोछा नहीं लगाएं, और पोछा लगाना ही पड़े तो हल्दी वाला पोछा लगाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 5 गुरुवार कंटिन्यू में ये पोछा नहीं लगना चाहिए, एक दो बार तो अगर आपने लगा लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दो बार से ज़्यादा, मतलब कंटिन्यूशन में, जैसे कि 2 बार लगाया फिर 1 बार मिस कर दिया, ऐसे करके आप लगा सकते हैं पोछा। लेकिन ऐसे कंटिन्यू 5 गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, और 5 गुरुवार को सर भी कंटिन्यू नहीं धोना चाहिए, और 5 गुरुवार को कपड़े भी वॉश नहीं करने चाहिए। कपड़े भी अगर वॉश करने हो तो हल्दी के पानी से वॉश करें, और ये ध्यान रखें कि आपके कपड़ों पे उसका कलर नहीं चढ़े। आइए आज की खास जानकारी देती हूँ, जो कि बृहस्पतिवार के दिए से केंद्रित है, और बृहस्पतिवार को पीली रुई का दिया आपको बनाना है और इन 4 स्थानों पे लगाना है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगे और धनी बनाएंगे। मित्रों, सबसे पहला केले का पेड़ की जड़ के समीप आप बृहस्पतिवार को दिया लगाएं, और चने की भीगी दाल भी चढ़ाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये दिया पीला होना चाहिए, मतलब हल्दी में रंगा हुआ दिया आपको जलाना है। दिया मिट्टी का हो तो उस पर भी पीला पेंट कर दें तो क्या कहना है, गमला भी पीला पेंट कर दें तो क्या कहना है, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा। दूसरा पेड़ है पीपल का पेड़ भी बृहस्पतिवार को इसके समीप दिया जलाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ के समीप आपको दिया लगाना चाहिए। ये दिया हल्दी में रंगा हुआ होना चाहिए। तीसरा है तुलसी के समीप दिया लगाएं, और ये दिया भी सेम प्रोसीजर से आपको जलाना है। चौथा दिया है सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष के समीप ये दिया आपको लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त होगी, तंत्र बाधा समाप्त होगी, और आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए, डॉक्टर उमाश्री टाइप करेंगे ना यूट्यूब पर, तो मेरी अनगिनत वीडियो आपके सामने आएगी और आपको उसको देखकर एंटरटेन होंगे और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। एंटरटेन होने से ज़्यादा आपका ज्ञान वर्धन होगा। तो ज्ञान अपना बढ़ाते रहिए। ज्योतिष से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी इस चैनल पर दी जाती है जो आपके बहुत फ़ायदे की होती है। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करिए और परामर्श लीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है मैं उनका चरण स्पर्श करती हूँ और शत-शत नमन करती हूँ और आपका वंदन करती हूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। थैंक यू सो मच।